आज ईरान ने एक इसराइली बहरी जहाज को भी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में कब्जे में लिया है। 17 भारत के लोग भी उसमें हैं, वो मेरे ख्याल से भारत और ईरान के आपस में सफारती बात हो रही है। एक फोन कॉल के दौरान अपने ईरानी एनकाउंटर पार्ट जो ईरान का फॉरेन मिनिस्टर है उसके साथ डॉक्टर जयशंकर जी ने बात करी और बोला कि यार हम बड़े चिंतित हैं, आपने हमारे बंदे पकड़ लिए। आई वुड एब्सोल्युटली प्रेस फॉर दीस पीपल टू कम बैक टू इंडिया as quickly as we can. My colleague, at least Iranian counterpart, was quite responsive. He said, okay, I understand it. I will try and do something to help. जिसमें दो पाकिस्तानी शहरी भी शामिल हैं। कोई ट्रेड वाला जहाज होगा उसको पकड़ लिया, कंटेनर होगा उसको पकड़, ये काम करते हुए यार। कि इंडिया जो है अपने लोगों को कभी भी कहीं भी तन्हे तन्हा नहीं छोड़ता। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जो तुमने काम कराया है मैं ईरानियों से पूछ रहा हूँ, वो सोमालियन पायरेट से अलग कैसे, एक बात बताओ, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सोमालियन पायरेट्स? इससे पहले भी हम सब ने देखा कि किस तरह जो है सोमालिया के डाकुओं से इंडियन नेवी ने बहुत सारे जहाजों को रेस्क्यू किया। तुम जिस एरिया में हो वहाँ पे मार्कोस भी हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर थे आमिर हुसैन, उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी कि हमने अलाउ कर दिया है इंडियन ऑफिशियल्स को और वो इंडियन ऑफिशियल्स अब इन 17 क्रू मेंबर्स जो इंडियन क्रू मेंबर्स हैं उनसे मिल सकेंगे। इंडियन नेवी जाती है, रेस्क्यू ऑपरेशन करती है, ईरान के कमांडोज को ठोक देती है, मार्कोस है, मार्कोस कब आएंगे तब पता नहीं लगेगा, कब जाएंगे तब पता नहीं लगेगा। ऐसे कुछ काले कपड़े वाले धुंध में निकलते हैं और धुंध में आके काम करके निकल लेते हैं, तुम्हें पता नहीं लगेगा, फिर तुम बोलोगे इंडिया ने ये कर दिया। अरे यार तुमने इंडियंस को क्यों पकड़ा? दोस्तों ईरान ने, आपको पता है, कल परसों एक जहाज को कैप्चर कर लिया। एक नॉर्मल जहाज था, कोई युद्धपोत नहीं था, कोई किसी नेवी का नहीं था, लेकिन इसराइल के साथ उसका लिंक था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में वो जा रहा था, उसके ऊपर हेलीकॉप्टर से ईरानियन कमांडोज आए, उन्होंने कैप्चर करा उस जहाज को और उस जहाज को अपने पास, अपने मतलब ले लिया और ईरानियन वाटर्स में उसको ले गए, यानी कि इंटरनेशनल वाटर्स में ऑपरेशन करा और खींच के ले गए ईरानियन वाटर्स में। उसमें 17 इंडियंस भी हैं। अब ये भारत के लिए तो बड़ा एक खतरे की घंटी है कि यार हमारे सिटीजन्स हैं और भारत बात कर रहा है ईरान से, और ईरान ने अभी तक की यह खबर है कि ईरान ने बोल दिया कि ठीक है आप उनसे मिल सकते हैं। ईरान ने अभी छोड़ने की बात नहीं करी दोस्तों, ईरान ने अभी तक ये नहीं कहा कि हम उनको छोड़ देंगे, वो छोड़ देगा ईरान, वो अलग बात है, दैट्स अ सेपरेट मैटर ऑल टुगेदर। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने इसके ऊपर ब्रीफिंग दी है, पहले मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर जयशंकर ने बोला क्या, फिर ये मैटर आपके लिए मैं एनालाइज करके बताऊंगा। दोस्तों ये MSC एरीज था जहाज का नाम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास इसको पकड़ा गया जैसे मैंने आपको बताया, और डॉक्टर जयशंकर ने चिंता व्यक्त करी है, बोला है कि क्रू मेंबर जो हमारे हैं वो कैसे हैं, किस हाल में हैं, और तेहरान से रिक्वेस्ट करा है, तेहरान से ये रिक्वेस्ट करा है कि फोन कॉल, एक फोन कॉल के दौरान अपने ईरानी एनकाउंटर पार्ट जो ईरान का फॉरेन मिनिस्टर है उसके साथ डॉक्टर जयशंकर जी ने बात करी और बोला कि यार हम बड़े चिंतित हैं, आपने हमारे बंदे पकड़ लिए। ये सब बातें हुई हैं। तो ईरान का फॉरेन मिनिस्टर है हुसैन अमीर अब्दुल्लाही, भारत के जो लोग हैं 17 नागरिक हैं उनको रिलीज करने की बात करी है और करंट सिचुएशन इन द रीजन के बारे में डिस्कशन करा और किस तरीके से उसको डीएस्केलेट करना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईरान ने एक बहुत बड़ा हमला किया है इसराइल के ऊपर, इसी दौरान ईरान ने एक इसराइली जहाज कैप्चर कर लिया है जिसमें 17 इंडियन भी मौजूद हैं। तो क्या इंडियन नेवी या फिर इंडिया अपने 17 इंडियंस को बचाने के लिए कोई कार्रवाई करेगी, कोई इकदाम उठाएगी, ईरान के साथ बातचीत करेगी? इस सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द अमल है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सब ये जरूर जान लें कि इंडिया जो है अपने लोगों को कभी भी कहीं भी तन्हे तन्हा नहीं छोड़ता। इससे पहले भी हम सब ने देखा कि किस तरह जो है सोमालिया के डाकुओं से इंडियन नेवी ने बहुत सारे जहाजों को रेस्क्यू किया। इस सारे मामले में हुआ ये है कि ईरान ने जो है एक इसराइली शिप को अपने कब्जे में ले लिया है, कैप्चर कर लिया, जिसमें 17 इंडियंस भी मौजूद हैं। ये जहाज मुकम्मल तौर पर जो है इसराइल से कनेक्ट नहीं था, इसराइल से बस लिंक करता था। आपको क्या लगता है कि इंडियन नेवी या इंडिया इस पर कोई एक्शन लेगी, कोई रिस्पॉन्स करेगी अपने लोगों को बचाने के लिए, छुड़वाने के लिए? क्योंकि अगर आपको याद हो को यूक्रेन और रशिया की वॉर में भी बहुत सारे इंडियन जब फंस गए थे तो इंडिया ने अपने बंदों को वहाँ से निकाला था। हमने देखा है इंडिया में ये खासियत है कि वो अपने लोगों को कहीं पे भी तने तनहा नहीं छोड़ता। जी, ये बहरहाल इस लिहाज से ये एक अच्छी चीज़ है कि ईरान के पास ये एक कार्ड है, वो इसराइल का शिप भी छोड़ देगा, इंडियंस को भी छोड़ देगा, और इस तरह से इवेंचुअली इसकी सुलह हो सकती है। तो ये अच्छा है अगर इंडिया कोई कोशिश करे और सब छुड़ा ले और ये सारी सुलह हो जाए और जंग आगे ना बढ़े। आपको लगता है इंडिया इन सब में कोई रोल प्ले करेगा, क्योंकि ईरान और इसराइल दोनों के साथ इंडिया की बनती है? अच्छा, वैसे मुझे इसी पे शक रहता है, यकीनन इंडिया के ईरान के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं,
और बहुत बड़ी तजारत है और ईरान की चीन के साथ भी बहुत अच्छी तजारत है। तो अगर ईरानी अकल करें तो इस इवेंट से अपने आप को हीरो बनाने के बाद अगले इवेंट पे ना जाएं और इंडिया की मदद से इस सारे को डी एस्केलेट करके ख़त्म कर दें। इंडिया का रोल हो सकता है अमन कराने में। जब आप देखें ना यूक्रेन और रशिया की वॉर की एग्जाम्पल ले लें, 2 साल से ज़्यादा का अरसा होने जा रहा है, दोनों मुल्कों के दरमियान जंग का माहौल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अब जिस तरह से ईरान ने हमला किया है, इसमें कोई न्यूक्लियर वेपन मौजूद नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं इसराइल को आप देखें तो उन्हें शायद ये डर है कि कहीं ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन तैयार ना कर ले, क्योंकि ईरान बहुत अरसे से अपने न्यूक्लियर वेपन पर भी काम कर रहा है। जी जी, लेकिन आई एम श्योर इंशाल्लाह ईरान के पास कोई एटमी हथियार नहीं है, तो अगर एटमी हथियार हुआ, अब आप देखें इस जंग में एटमी हथियार किसी सूरत इस्तेमाल नहीं हो सकते, आप इसराइल के ऊपर कोई एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकते, साथ ही गजा है, साथ ही इजिप्ट है, वो तो इतना छोटा मुल्क है, अगर खुदा ना खौस्ता वहाँ एक भी कोई ऐसा कुछ हुआ तो कई कई मुल्क तबाह होंगे, सब मुसलमान हैं वहाँ पर, और मुसलमान ना भी हों इंसान हैं, तो ये तो बिल्कुल कोई एटमी उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। सर, इसराइल ने इससे पहले भी कई बार ईरान को टारगेट किया है और ईरान की जानिब से पहला जवाब दिया गया है, और इस दफ़ा ईरान ने बताया था कि हम जवाब देंगे, जवाब देने में उन्होंने थोड़ी देर ज़रूर लगा दी, लेकिन उन्होंने जवाब भरपूर तरीके से दिया, और जिस तरीके से जवाब दिया पूरी दुनिया हैरान हो गई है। अच्छा, पता नहीं ये कोई इतना भरपूर जवाब तो नहीं है, ज़्यादा प्रोपेगेंडा लग रहा है, क्या बिगड़ा है इसराइल का, कुछ भी नहीं, और ये शिप भी छोड़ देंगे तो ये सब ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि ये कोई और चीज़ है, इवेंट है, ईरानियों को शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये कोई भरपूर जवाब नहीं है। फिर क्या करना चाहिए था? मेरे ख्याल है कि हर सूरत तमाम मुल्कों को गजा की जंग बंद कराने की कोशिश करनी चाहिए थी, और जो इसराइल के शाम के साथ, फिलिस्तीन के साथ, इजिप्ट के साथ, देखिए ना इजिप्ट ने अपने पुराने मसाइल हल कर लिए हैं, और जब वो मतलब उनको नहीं याद आता कभी कि हमें ये हुआ था और अब हमने उसका बदला लेना है, मेरा ख्याल है यही बेहतर है। आप देखें सऊदी अरब भी कोशिश कर रहा था इसराइल के साथ पुरानी चीज़ें ख़त्म कर दें, मोहम्मद बिन सलमान साहब ने काफ़ी एफर्ट की थी, मेरा ख्याल है वही डायरेक्शन है, अमन की डायरेक्शन ही बेहतर है। और आप गजा के लोगों के लिए कुछ नहीं कर सके, आप ये बताएं कि आपको शाम की फलाने का तो शौक है, गजा में जो शहीद हो रहे हैं उनके लिए आपने क्या किया? कुछ भी नहीं, आपने उनके दिफा के लिए तो कुछ नहीं भेजा, तो लिहाजा आप कुछ नहीं कर रहे। आप मेरा ख्याल है हम कुछ ना कर रहे हैं ना कर सकते हैं, हमें तो इसी पर करना चाहिए, अमन हो जाए। गजा ने मदद मांगी थी पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान इसका कोई जवाब भी नहीं दिया। मेरा नहीं ख्याल, इवन गजा ने तुर्की से भी मदद मांगी थी, वो हमसे करीब भी है और हमसे ज्यादा डेवलप्ड भी है, उन्होंने भी कोई हेल्प नहीं की। अगर पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा कुछ कर सकता है तो तुर्की के साथ मिलकर कर सकता है, खुद से तो कुछ कर भी नहीं सकते हम। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों को जश्न और खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त तो इसराइल जश्न मना रहा है कि हमारा तो कुछ बिगड़ा ही नहीं है। मैं तो ये समझूंगा कि जंग आगे बढ़े तो हमें होशियार होने का वक्त है, खुशियां मनाने का वक्त नहीं है, कि जंग आगे बढ़ रही है और मुसलमान शहीद होंगे, यकीन करें इसराइल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो मैं इस जंग के खिलाफ हूँ, इस जंग को आगे बढ़ना भी नहीं चाहिए, इस जंग को का अमन हो जाना चाहिए।